एनसीओसी ने 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात की तारीख का ऐलान कर दिया। इम्तिहानात 23 जून से 29 जुलाई तक लेने का फैसला किया गया है। 31 मई से क्लासेस शुरू करने की इजाज़त दे दी गई है। यूएई से आने वाले मुसाफिरों को मखसूस लेबॉरेटरीज से टेस्ट लाजमी करार दे दिया गया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर भरा इंसदाद कोरोना का इजलास। मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात 23 जून से 29 जुलाई तक लेने का फैसला। असातिज़ा और स्टाफ को 10 जून तक वैक्सीन लगवाने की हिदायत जारी कर दी गई। सिंध की सूरत हाल पर तश्वीश का इजहार किया गया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की ज़ेर सदारत एनसीओसी का इजलास हुआ। इजलास में फैसला किया गया कि 31 मई से क्लासेस शुरू करने की इजाज़त दे दी गई। 1 जुलाई से 30 साल से ज्यादा उम्र सयाहों के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार। सियाहती मुकामात के होटलों में रहने के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। इजलास में फैसला किया गया कि यूएई से आने वाले मुसाफिरों को मखसूस लेबॉरेटरीज का टेस्ट कराना होगा। खिलाफ वर्जी की सूरत में एयरलाइंस पर जुर्माना आयद किया जाएगा। 5% से कम शरह वाले जिला में पार्क तफरी मुकाम 30 मई से खोलने की इजाज़त दे दी गई।